वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको आठवें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत के ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में, लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही क्रम दर क्रम सफल होते ही जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह
हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी यानी एक छोटे से व्यवस्था से बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और आठवां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी उस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती भी मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे, जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। एक अभ्यास एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में देश का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 75,000 से अधिक स्थानों पर, यानी 75,000 से अधिक स्थानों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयुष विभाग ने, हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। 75,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ यह योगाभ्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से अधिक लोग आज योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मैं यहाँ के कल राजभवन के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा था कि राजभवन में क्या स्थिति है, यानी जितने लोगों के लिए अनुमति थी उससे भी कई ज्यादा लोग इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ आज यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने तो इस बात को कहा कि हम मंच पे नहीं करेंगे, हम तो लोगों के सामने ही करेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय तो साक्षात योग की ही प्रतिमूर्ति दिखती है। इस उम्र में उनकी सक्रियता और हर कार्यक्रम में सर्दी गर्मी बरसात किसी भी उसकी प्रवाह के बगैर वे निरंतर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए और देश के लिए एक उदाहरण बनती है। आज 75,000 से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है, यह नियमित अभ्यास का कार्यक्रम है। और आपने देखा होगा कि योग के इस अनुशासन को ही मानने, योग के माध्यम से भारत ने अपने ऋषि परंपरा के इस उपहार के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित किया, वह कोरोना जैसी महामारी को मात देने में भी सफल रहा। जितना अच्छा कोविड प्रबंधन भारत का रहा, जितना अच्छा परिणाम भारत ने दुनिया के सामने दिया,
कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को जिस व्यवस्थित रूप से भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश के पास उस प्रकार का उदाहरण नहीं है। ये भारत ने ही तय किया कैसे होना है, कैसे कोविड के टेस्ट बढ़ाए जाने हैं, कैसे कोरोना के दौरान एक एक नागरिक के जीवन की रक्षा, जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम भारत ने ही, इसका मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कैसे हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे, यह भी भारत ने ही दिया। और दुनिया के अंदर इतना अच्छा 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज वहां के नागरिकों को दे दी जाए, और भारत अपने नागरिकों को तो बचा रहा है, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भी आपूर्ति कर रहा है, यह भी योग के ही अनुशासन का एक उदाहरण है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने भारत की इस विरासत को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया, और आज 8वें योग दिवस के अवसर पर कोरोना जैसी महामारी को एक बार फिर से उसे मात देते हुए हम सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राजभवन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारा में है, कोई चर्च में है, कोई किसी अन्य धर्म स्थल पर है, कोई योग संस्थान में है, कोई पार्क में है, कोई गांव के किसी पंचायत भवन में इस योगाभ्यास के साथ जुड़ रहा है, कोई किसी अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर जुड़ रहा है, उन सभी योगाभ्यासियों का मैं एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मेरा तो मानना है हमेशा से जो भारत की ऋषि परंपरा कहती रही है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उस व्यक्ति पे न बुढ़ापा आ सकता है न रोग आ सकता है जिसने योगाभ्यास से प्राप्त शरीर प्राप्त किया हो। और मुझे लगता है कि हम सबको योग के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, यही मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन हो सकता है। आप सबको 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।